इम्प्रूव करणं हे सगळ्यात गरजेचं राहणार आहे। प्रत्येकाने आपल्या आपल्या जागेवरती जाऊन बसा। मुख्य व्यासपीठाच्या समोर आणि डाव्या बाजूला हा जो स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरच्या उजव्या बाजूला किंवा डाव्या बाजूला कोणी उभं राहायचं नाही। त्याचबरोबर डीजे ऑपरेटरच्या शेजारी फक्त डीजे ऑपरेटर आणि मित्र परिवार एक दोन जण, समीर भाई हे फक्त तुमचे दोन तीन लोक, बाकी कुठलाही मित्र परिवार किंवा फॅन फॉलो, मला माहिती रसूल मंडळचा खूप मोठा फॅन फॉलो आहे, पण प्रमाणापेक्षा जास्त गरजी अजिबात इथं उजव्या बाजूला होऊ देऊ नका। ही जबाबदारी तुमच्यावरती असणार आहे, ही सगळ्यात महत्त्वाची जबाबदारी आहे। फटाक्यांची आतषबाजी होती आहे आणि प्रत्येक जण आता वाट पाहतोय, कारण खूप मित्रांचे कॉल सुरू झालेत की केव्हा मॅच सुरू होणार आहे। मी परत एकदा विनंती करतो, म्हणजे सर अण्णा खूप गर्दी झाली असं वाटत नाही का तिथे? मॅच संपल्यावर का बॅटिंगच्या वेळेस? बर, विशेष म्हणजे सायक्लिक प्रेझेंट शिरसा स्पोर्ट चॅम्पियन मध्ये, शिरसा स्पोर्ट चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये आपल्या सर्वांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। दोन्ही टीमचे अतिरिक्त प्लेअर या ठिकाणी हजर असणं गरजेचं आहे। इम्पॅक्ट प्लेअर तुम्ही आता सांगून देवा, प्लेइंग इलेव्हन तुम्ही ज्यावेळेस देणार आहे तुमचा इम्पॅक्ट प्लेअर कोण आहे हे अगोदरच सांगून ठेवणं गरजेचं राहील। जे पी सर बरोबर, ही सगळ्यात महत्वाची सूचना। आणि आज जे चार टीम्स आहेत या चारही टीमला विनंती आहे, अंपायर डिसिजन लास्ट डिसिजन असेल, कुणीही पंचांशी वादविवाद करायचा नाही, अर्थात तो चार दिवसामध्ये कुठे आपल्याला पाहायला मिळाला नाहीये, त्यामुळे या स्पर्धेचा शेवट सुद्धा अगदी त्याच चांगल्या पद्धतीत आणि आनंदात त्या ठिकाणी आपल्याला संपन्न करायचंय। मॅच सुरू करणं गरजेचं, समीर भाईंना विनंती। समीर भाई इथं समोरची जागा सुद्धा अगदी व्यवस्थित असणं गरजेचं राहणार आहे, कारण आम्ही विचारा ना तुम्ही कोणतं ते सांगतायत, आम्ही समीर भाईचे मित्र आहेत बरं, आम्हाला मग बोलता येत नाही जास्त। अक्षय सर मॅच निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी अगदी आपण पाहतोय आता सुरू होणार आहे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे तो खूबसूरत सफर भी देना, गुंगा तो मैं गुप्त गुप्त नहीं सिखाई, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं साइक्लिक प्रेजेंट शिरसा चैंपियन ट्रॉफी 2023 बा सीजन 3 बा ऑर्गेनाइज बाय शिरसा स्पोर्ट मिस्टर अंबदा शिरसाठ। प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फिनाले और इस ग्रैंड फिनाले में सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। जो दर्शक इस खूबसूरत मैदान के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए, इनका अब हम दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं, और जो टेनिस के .in के माध्यम से ये टूर्नामेंट ये प्रतियोगिता देख रहे हैं उनका भी हम एक बार फिर दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों आज सेमीफाइनल का जो पहला मुकाबला बीच मैदान पर थोड़ी देर के बाद शुरू हो रहा है, जगदम्बा पवन गणपति पाथड़ी बनाम NB अवध स्पोर्ट फाउंडेशन, और दोनों टीमें बहुत तगड़ी है। प्रवीण बीच मैदान की अगर बात करें तो पिछले चार दिनों में क्या रोचक मुकाबले हुए हैं, दिलचस्प मुकाबले हुए हैं और दर्शकों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। विनंती असेल अजूनही डाव्या बाजूला बराचसा मित्र परिवार जो उभा आहे, जय हो बाउंसर, आता ही जबाबदारी तुमच्या खांद्यावरती राहणार आहे। स्टेजच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला फारशी गर्दी होता कामा नाही, ही विनंती असेल। मॅच सुरू करणं गरजेचं राहील, उशीर खूप होत चाललाय, 3:14 झालेले आहेत, मॅच सुरू करणं गरजेचं राहणार आहे, त्यामुळे विनंती आहे क्षेत्ररक्षण लवकर लवकर लावून घ्या, कारण सुरुवातीला क्षेत्ररक्षण आपल्याला जे पाहायला मिळणार आहे, कारण टॉस हा जिंकलाय NB अवध संघाने आणि सुरुवातीला फलंदाजी करण्याचा निर्णय या संघाने घेतलेला आहे। ती छोटी मुलं कोण बसली पॅव्हिलियन 2 मध्ये पलीकडच्या बाजूला? चला तिथं बसू नका, आज पायऱ्यांवरती कोण बसलंय? पायऱ्यांवरती बसू नका, पायऱ्यांवरती कोणी बसू नका, तिथे
अतिरिक्त प्लेयर चला एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चला लवकर मैच अपने सुरू करायची आहे क्षेत्ररक्षण यंत्रणेने अगदी आपण पाहतोय जे सजवलं जाईल लावलं जाईल आणि आघाडीची जोडी सुद्धा केतन सर फक्त विनंती एवढीच आहे केतन सरांना केतन मात्रे सर वेळ वेळ फक्त महत्त्वाचा आहे त्यामुळे आपण लवकरात लवकर आपल्या आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवणं गरजेचं राहणार आहे साईक्रिक प्रेझेंट आपल्या शिरसा स्पोर्ट चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे नगर जिल्ह्याचा वर्ल्ड कप म्हणून ज्या गोष्टीकडे पाहिलं जात चला बॅटर चला लवकर बॅटर लवकरात लवकर मैदानाच्या आतमध्ये चला आणि विशेष करून अगदी आपण पाहतोय की या संपूर्ण नगर जिल्ह्याचंच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं आणि संपूर्ण भारताचं लक्ष या क्रिकेटच्या स्पर्धेकडे लागले गेलेलं आहे बरं ही क्रिकेटची स्पर्धा संपली की विशेष म्हणजे आपली एक टीम भारतातली ही 3 तारखेला पुढच्या 3 तारखेला 3 डिसेंबरला एक ब्रेक्सिल सामन्यासाठी शारजाला जाऊन पोहोचणार आहे शारजा स्टेडियम आणि या शारजा स्टेडियममध्ये एक सामना होणार आहे भारत आणि पाकिस्तान एक्झिबिशन मॅच आहे आणि विशेष म्हणजे पाथर्डीकरांचा अभिमान आहे नगर जिल्ह्याचा अभिमान आणि भारताचा अभिमान आपले सर्वांचे जवळचे मित्र अमोल अर्थात अंबादास शिरसाट हे आपल्या इंडियाच्या अर्थात भारतीय टीमचे टीम ओनर आहेत एकदा जोरदार टाळे आपण अमोल शिरसाट यांच्यासाठी वाजूया भारताच्या टीमचे टीम ओनर म्हणून निश्चितप्रमाणे ते कामकाज करणार आहेत आणि आमच्या सगळ्या मित्रपरिवाराच्या वतीने पाथर्डीकरांच्या वतीने नगर जिल्ह्याच्या वतीने आणि त्याचबरोबर संपूर्ण भारताच्या वतीने आपल्या भारतीय टीमसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत फलंदाज चला बॅटर अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आलेले नाहीयेत चला लवकर विनंती असेल आपण मॅच लवकरात लवकर ऑन करणं गरजेचं राहील उशीर खूप होत चाललेला आहे वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे त्यामुळे विनंती असेल बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतील गोलंदाज तयार होईल आणि जसा सामन्याला सुरुवात होईल तसा एक गोड आवाज प्रशांत जाधवडे आणि प्रवीणजी गायकवाड यांचा ऐकायला मिळेल धन्यवाद शुक्रिया मनोज फिलहाल मैच की तरफ रुख करते हैं बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर और दोनों टीमें तैयार जगदम्बा पामन गणपति पाथर्डी और एनबी अबद स्पोर्ट फाउंडेशन आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन ग्रैंड फिनाले है और प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी है बिल्कुल मैदान के अंदर आ रहे केतन मात्रे को आप देख रहे हैं धीरे धीरे मैदान के ऊपर आ रहे हैं और उनका साथ निभाते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज भावेश शेलार जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है केतन मात्रे आज बिल्कुल कैमरे में रहेंगे 30 पाइक और 4 फोर व्हीलर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है टेनिस विश्व में और दूसरी तरफ भावेश शेलार तो प्रारंभिक बल्लेबाजी की जोड़ी मैदान के अंदर आज आखिरी दिन है ग्रैंड फिनाले है सचिन तेंदुलकर स्टैंड महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड उसके साथ विराट कोहली स्टैंड में और टेनिस क्रिकेट डॉट इन का स्टैंड भी बना हुआ है रोहित शर्मा स्टैंड में जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए सबका स्वागत है स्टूडियो में आज हमारे साथ पिछले 4 दिनों में एक अच्छी पार्टनरशिप रही है हमारे साथी कमेंटेटर हमारे काबिल दोस्त प्रवीण गायकवाड़ जुड़ रहे सर आपका स्वागत है तर धन्यवाद प्रशांत सर आपण पाहतोय सामना चालू होण्याच्या अगोदर प्रेक्षकांची प्रचंड मोठी गर्दी या क्रीडांगणावरती जाणवताना आपल्याला पाहायला मिळते सायक्री प्रेझेंट सिरसाट चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 आपण पाहिलं की 22 तारखेला प्रारंभ झालता शुभारंभ झाला होता आणि त्यानंतर मात्र पाठीमागचे 4 दिवस जर पाहिले तर रोमहर्षक लढतींनी 4 दिवस नक्कीच रंगले तर आज अंतिम दिवसामध्ये आपण येऊन नक्कीच जो पोहोचलोय पहिली सेमीफायनल क्रिकेटच्या रसिकांना जे पाहायला मिळेल एका बाजूला जगदंब पावन गणपती प्रतिष्ठान पाथर्डी तर दुसऱ्या बाजूला एनबी अवध पुणे या 2 टीमच्या दरम्यान क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळते लढत केतन मात्रे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है और शानदार खेल इनका रहा 69 रन बनाए प्रतियोगिता में उसके साथ अगर देखे तो इम्पोर्टेंट खेल रहेगा कृष्णा गवली का जिन्होंने 30 रन बनाए भूषण का बल्ला और गेंदबाजी कमाल की 38 रन बनाए हैं भूषण गोले का कमाल का प्रदर्शन बिल्कुल रहा है भावेश शेलार ने 38 रन बनाए और भूषण गोले ने 16 रन बनाए हैं गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज जिनके कंधों पर बहुत बड़ा एक बार फिर जिम्मा दिया गया है पूरा दारोमदार रहेगा सर्व प्रेक्षकांना या ठिकाणी विनंती आहे ग्रँड फिनालेचा दिवस आहे
आणि आपण गणपती बाप्पाचा गजर करून आजच्या दिवसाला सुरुवात करतो. एकदा आवाज होऊ द्या, बोला गणपती बाप्पा मोरिया. थँक यू प्रवीण, मॅच सुरू हो रहा है. पिंटी के जमा में डिके फ्लाइंग स्ट्रिप गली पॉइंट और उसके साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात. एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ पर है, मिड ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी. अब फील्डिंग में तब्दीली हो रही है, जो पॉइंट का खिलाड़ी बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त बॉडी लाइन की तरफ आया. इस ओवर की पहली गेंद अभी भी रुक गए हैं. विजय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और दो बार प्रवीण रुक गए हैं. मैदान का करते हैं कारण प्रेक्षक टाळ्यांचा गजर करते हैं. एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये आजच्या दिवसाची सुरुवात करूया. एकदा आवाज होऊ द्या, सचिन तेंडुलकर स्टँड, महेंद्र सिंग धोनी स्टँड, टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. थँक्यू विजय. अपनी बोलिंग मार्फत तयार केतन मात्रे इस वक्त स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है. ऑफ स्टंप के बाहर तेज रफ्तार की गेंद थी, गेंद को ड्राइव करना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. रन बनाने का कोई अवसर नहीं है. बिंदी गेंद के साथ आगाज किया विजय ने. स्टार्ट तो बिल्कुल बहुत अच्छा है. पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. पावर प्ले ऑन. विजय पवार पहिले षटक टाकण्यासाठी तयार होताना जो पाहायला मिळतोय. केतन म्हात्रे ऑन स्ट्राइक, भावेश पवार नॉन स्ट्राइकच्या दिशेला. ओ हा चेंडू आपण पाहतोय ऑफ साइडच्या जास्तीच बाहेर जाणारा, वाईड खराब. एक अवांतर धाव स्कोर कार्ड मध्ये ऍड होईल आणि स्कोर कार्ड वरती मात्र नक्कीच खात जे खोलताना आपण पाहतोय. मिस्टर एस्ट्रा के साथ आगाज हुआ है. एक शानदार खेल पिछले चार दिनों में आपने देखा है. रोचक मुकाबले देखने का बिल्कुल एक बहुत बड़ा अवसर पाथर्ड के सारे दर्शकों को. स्ट्राइक रेन पर केतन मात्रे प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विजय गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बाहरी गेंद लगा, पीछे खिलाड़ी है. अविनाश ने गेंद को रोका, बहुत अच्छा थ्रो भी किया लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं है. एक रन जरूर मिलता बा बल्लेबाज केतन मात्रे को. केतन मात्रे का खाता खुलता बा. स्कोर की बात करें तो रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के. ये बड़ा तगड़ा मुकाबला बीच मैदान पर चंद्रा जगदम्बा पावन गणपति पाथर्डी और एनबीए बदसूर फाउंडेशन के बीच और पांचवें दिन की अद्भुत कहानी. सेमीफाइनल का यह पहला मुकाबला आप देख रहे हैं. विजय पवार पुनः एकदा सज्ज होताना जो पाहायला मिळतोय. सिरसाट स्पोर्ट चॅम्पियन ट्रॉफी आतापर्यंत जर पाहिली तर मात्र 3 अर्धशतक या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये झळकवली गेली. त्यामध्ये आमन शेख 17 चेंडूमध्ये 52 धावा बनवल्या होत्या. करण मडवी 13 चेंडूत 51 बनवल्या होत्या. तर रणजित फराटे यांनी पहिलं अर्धशतक झळकवलं होतं. 23 चेंडूत 63 धावांची खेळी केली होती. आज देखील धावांचा पाऊस पडेल. ओ हा चेंडू आपण पाहतोय मिड ऑफच्या दिशेला. शतरक्षक चेंडूला उचलेल, त्या ठिकाणी मात्र घेतली जाते ती सिंगल. एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाते. स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचतोय 3 धाव संख्येवरती. षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावरती. इम्पॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अगर यहाँ जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा तो आप फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं. इसलिए दोनों तरफ से अगर देखें तो टूटी का जो दौर लगाने की कोशिश करेंगे सारे खिलाड़ी. के बाहर गेंद कवर के अवसर से खूबसूरती के साथ खेलते गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन. इंटरेस्टिंग और शानदार स्ट्रोक. केतन म्हात्रेचा जबरदस्त परफॉर्मन्स राहिला या क्रिकेट टूर्नामेंट मध्ये. काल देखील जबरदस्त खेळ दिवसभराच्या सत्रात केतन म्हात्रेचा पाहायला मिळाला होता. सुरुवात झाली ऑफ साइडच्या दिशेला एक अप्रतिम चौकार. नो बॉल पंचांचा इशारा येतोय. एक एक्स्ट्रा रन पुन्हा एकदा स्कोर कार्ड मध्ये ऍड होईल. स्कोर बिल्कुल थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ मिस्टर एस्ट्रा के साथ. रन संख्या कर दे के तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 8 रन. ओवर की बात कर तो ये पहले ओवर का खेल चल रहा है और विजय पवार को मौका मिला है. बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और दर्शक दीर्घा में दर्शक देखे काफी संख्या में मौजूद है. बहुत सारे यहाँ बच्चे पहुंच चुके हैं. ये देखे सारे बच्चे थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. लेकिन नो बॉल का इशारा, इसका मतलब अक्षय निर्मल मैदान के अंदर है और वो इंतजार कर रहे हैं. क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया गया था. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर और फ्री का इशारा किया गया है.
केतन ऑन स्ट्राइक, विजय की अगली गेंद, राइट अंप ओवर द विकेट, गेंदबाजी कर रहे हैं, जोर ऑफ टंप के बाहर गेंद थी, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चली, ड्राइव करना चाहते थे कवर क्षेत्र में, कवर पर खिलाड़ी है, शाम ने बिल्कुल डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर नहीं आया। अब जाकर देखे तो सिंगल जरूर बनता, बस सिंगल के साथ स्कोर अगर देखे तो 9 रन बगैर किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए एनबी अवध स्पोर्ट फाउंडेशन। तर प्रेक्षक गॅलरीज नक्कीच आपण पाहतोय, दर्शक मोठ्या संख्येने मात्र उपस्थित आहेत, चहूबाजूंनी प्रेक्षक एक फार मोठा प्रतिसाद पहिल्या दिवसापासून प्रेक्षकांनी या क्रिकेटच्या स्पर्धेला दिलाय आणि एक अप्रतिम आयोजन असली क्रिकेटची स्पर्धा अहमदनगर जिल्ह्यात आपण या ठिकाणी पाहतोय। ओ नो बॉल, पुन्हा एकदा दिशाहीन गोलंदाजी, बीमरचा नो त्या ठिकाणी पंच घोषित करतायत, नियंत्रण नहीं है। विजय की बात कर तो बहुत अच्छे गेंदबाज है उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस वक्त टप्पा खाने के बाद बिल्कुल इससे पहले अगर देखे तो गेंद नियंत्रण नहीं था तो दिशान गेंद थी, अब जाकर एक बार फिर कंट्रोल नहीं, ग्रीप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पहले ओवर का खेल बॉडी को खुलने के लिए थोड़ा सा समय जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये सेमीफाइनल का मैच है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 5,11,000 की नकद राशि और कुछ ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए मैदान के अंदर एक अच्छा पैटर्न बिल्कुल चल रहा है। विजय की अगली गेंद, सर पर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी ब्रोकल में स्टंप के अंदर, लेकिन गेंद को अच्छी तरह से बल्लेबाज नहीं खेल पाए, जब नो बॉल उसके बाद फ्री हिट होता है तो अगर क्लीन बिल अगर होते हैं खिलाड़ी तो कोई परेशानी नहीं है। ये क्रीज के कोने का इस्तेमाल, बिल्कुल स्टंप को टारगेट किया गया था, बल्लेबाज अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, आखिरी गेंद पर बिंदी है और पहले ओवर का खेल रन संख्या को मिलाकर अगर टोटल बन गया 10 रन बगैर किसी नुकसान के। एनबी अवध प्रवीण, दो टीमें खेल रही हैं तो एक बार फिर दोनों टीमों में कौन से बड़े बड़े सितारे इस मंच पर खेलने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। केतन मात्रे बीच मैदान पर खेल रहे हैं, भूषण गुरे ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एक मैच में उन्होंने 4 विकेट, एक मैच में जो 6 विकेट चटकाए थे। अक्षय तावरे जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, तुषार रंधवे ऑलराउंडर खिलाड़ी, इरफान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 विकेट चटकाए थे। उसके साथ भावेश शेलार जो बीच मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रज्वल गेंदबाज है, सतीश पठारे एक बहुत ही जबरदस्त लेफ्ट हैंडर, उसके साथ अगर नाजिम गुल्ली की गेंदबाजी तो चेतन कालेंगे और सुभाष, ये सारे खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं एनबी अवध स्पोर्ट फाउंडेशन की टीम में। तर जगदंबा पावन गणपती प्रतिष्ठान पाथर्डी टीम जर पाहिली तर मात्र आपण पाहतोय अभिजित दुधे, त्यानंतर योगेश पेनकर, शुभम मोरे, पंकज जाधव, अविनाश रामगुडे, श्याम त्रिंबके, त्याचबरोबर मात्र पप्पू सोनारे पाटील, त्यानंतर सूर्या, नितीन वाळके, त्यानंतर रजत मुंडे, विजय पवार, जीवित म्हात्रे यांचा समावेश त्या टीम मध्ये मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। और ये तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, पहले ओवर की कहानी समाप्त होने के बाद रन संख्या अगर देखे तो 10 रन 10 ऑन द बोर्ड, केतन मात्रे ऑन स्ट्राइक, शार्प गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन इस वक्त बल्ले के बीच में खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉलर के बाहर जाते भी केतन मात्रे के बल्ले से दमदार शानदार चौका। केतन मात्रेची बॅट तळपायला नक्की जी लागली, श्याम त्रिंबकेचा हा चेंडू आपण पाहतोय, वाईड बॉल, पंच घोषित करतायत, एक अवांतर धाव स्कोर कार्ड मध्ये ऍड होईल, स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचतोय आपण पाहतोय 14 वरती स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते। दुसरे ओव्हर का खेळ चंद्र, स्कोर 15-15 15 रन स्कोर बोर्ड पर, टॉस गेंद पनिश किया, मिड ऑन पर खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया बॉडी लाइन के बाहर और ये बहुत ही अच्छा स्टॉप, पक्का 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 ये लगा शानदार छक्का। पर ये एक बार फिर चेक करना चाह रहे हैं कि क्या गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के पार चले गए, वो तो एक बार फिर देखना चाहते हैं, तो तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं, ऑफिशियल के तौर पर बहुत ही बेहतरीन काम रहा है, शानदार एक बार फिर आयोजन में उसमें कोई संदेह नहीं है। साई क्रिक प्रेजेंट शीर्षा चैंपियन ट्रॉफी 2023 प्रतियोगिता का आज का 5वां दिन ग्रैंड फाइनल चल रहा है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा भाई, इंतजार करना पड़ेगा, शाम आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये गेंद क्या क्लियर हुई है, बाउंड्री को क्लियर किया गया है वो देखा जाएगा। फुटटॉस गेंद प्रवीण, बहुत अच्छी तरह से पनिश किया, खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। मैग्निफिसेंट स्टॉप प्लेड बाय केतन मात्रे।
जबरदस्त फलंदाजी मैदानावरती आणि प्रेक्षकांना देखील अशाच खेळाची अपेक्षा असते। थोडीशी संत सुरुवात, परंतु त्यानंतर दुसऱ्या षटकात श्याम त्र्यंबकेचे प्रचंड मोठं आक्रमण आपण या ठिकाणी पाहतोय। एक चौकार आलाय आणि नक्कीच हे डिसिजन मात्र आतापर्यंत आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं नाहीये। षटकार सहा धावा नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय। या दरम्यान मात्र आपण पाहतोय शतरक्षक येईल चेंडूच्या खाली शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेला, केतन म्हात्रे बडी मछली जाल में। त्र्यंबकेने जशा तशा प्रकारचं प्रत्युत्तर दिलंय, एक चौकार एक षटकार आला आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की केतन म्हात्रेला अलगद जाळ्यात अडकवलं गेलं। केतन म्हात्रे एक महत्वपूर्ण विकेट बॅक टू द पॅवेलियन। मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय प्रवीण शाम को मौका नहीं मिला था, पहले दो मैचेस में जब एक बार फिर वो क्वालिफाई कर रहे थे तब एक बार फिर उनको ज्यादा मौका नहीं मिला था और बहुत क्लोज मैचेस वो हारे थे, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छा कमबैक। अब शाम को मौका मिला, अच्छा प्लान। केतन म्हात्रे का बेशकीमती विकेट है, पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू शाम ने दिया, बल्लेबाज का काम तमाम किया और एक बड़ी मछली जाल में फंसी है। ओहो, एक बार फिर मजा आएगा, अब मजा आएगा बिल्कुल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए तुषार रणदिवे। बादल झड़ते हैं, कोहरा उड़ता है, हर काली अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, कभी कभी हमें जो अंत लगता है वही से एक नया अध्याय शुरू होता है। बिल्कुल, शाम की बात करें तो इन्होंने तो एक नया अध्याय शुरू किया, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टार्ट की बात करें तो बहुत अच्छा स्टार्ट किया था इस मुकाबले में एनबी अबद स्पोर्ट फाउंडेशन ने और विकेट फैक्टर बहुत बड़ा है। सेमीफाइनल का मुकाबला आप कहते हैं, योगेश पेंडकर विकेट के पीछे हैं, शाम तरंगे में गेंदबाजी करने के तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज तुषार रणदिवे, नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 21 रन, 21 प्लस ऑफ वन विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर दो अच्छे स्ट्रोक केतन म्हात्रे के बल्ले से आए और उसके बाद में उनका विकेट गिर गया है। इस बार रन शेयर पर खेलना चाहते थे, अब गेंद अविनाश फाइन लेग पर मौजूद, अविनाश रामगुण ने गेंद को रोका, एक रन लेने का अवसर टाइमिंग नहीं कर पाई। अच्छी गेंद थी, देखिए शाम त्र्यंबके बहुत खुश है, अच्छा कमबैक किया एक विकेट प्राप्त करने के बाद, गेंदबाज का कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ। श्याम त्र्यंबके अहमदनगर जिल्ह्यातीलच एक नामांकित अष्टपैलू खेळाडू म्हणून श्याम त्र्यंबकेची ओळख आहे आणि नक्कीच आपण पाहिलं दुसरं षटक जसे हातात घेतलं केतन म्हात्रेला टिपण्यात त्याला यश येताना जे पाहायला मिळत आहे। स्कोर कार्ड वरती नजर टाकली तर स्कोर कार्ड वरती धावा आहेत त्या 22 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळत आहेत। भावेश शेलार आणि तुषार रणदिवे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये। हा चेंडू आपण पाहतोय, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही, गती परिवर्तन नक्कीच पाहायला मिळालं। श्याम त्र्यंबकेचा चेंडू असेल डॉट, चेंडू असेल निर्धाव, या चेंडूवरती आपण पाहिलं भावेश शेलारला उभं करून ठेवलंय श्याम त्र्यंबकेने। इस बार कट करना चाहते थे योगेश पेंडकर, बिल्कुल लाउड अपील कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। स्कोर अगर देखे तो रुका हुआ है, कुल मिलाकर 22 रन एक विकेट के नुकसान पर, 22 प्लस ऑफ वन विकेट आफ्टर टू ओवर। शाम का अच्छा ओवर, जहां अब तक सवाल इस मुकाबले का, इस मैच का, इस ओवर का, रन तो आए लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट लिया और जब विकेट मिला तब बहुत अच्छा कमबैक है। ये आखिरी गेंद देखिए पीछे आप देख रहे का योगेश पेंडकर बहुत उछल कर ये अपील किया था, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, सबकी निगाह इस मैच के ऊपर होगी, सबकी निगाह इस बड़े घमासान के ऊपर होगी। और प्रवीण दो ओवर का खेल समाप्त हुआ 22 एक विकेट के नुकसान पर। षटक क्रमांक तिसरा आता मैदानाच्या आतमध्ये टाकले जाईल। विजण्याची तमान बाळगता पेटण्याचे धैर्य दाखवणारे दिवेच खऱ्या अर्थानं तुफानाचा सामना करू शकतात। आज वादळ आमने सामने नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि या प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी, गॅलरीज नक्कीच गच्च भरून वाहताना पाहायला मिळत आहेत। एक यशस्वी स्पर्धा म्हणून प्रत्येक जण या स्पर्धेकडे पाहतोय, काही कमेंट्स आपण प्रेक्षकांमधून देखील घेतल्या तर प्रत्येकानं या स्पर्धेचं तोंड भरून कौतुक केलंय। अहमदनगर जिल्ह्याचा वर्ल्ड कप अर्थात साईक रिप्रेझेंट सिरसाड स्पोर्ट चॅम्पियन ट्रॉफी मोठ्या धुमधडाक्यात चालू आहे। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज होताना जो पाहायला मिळतोय विजय पवार, पुन्हा एकदा चेंडू हातामध्ये घेतलाय, चांगली गोलंदाजी राहिली आहे या अगोदर देखील विजय पवारची या क्रीडांगणावरती। तर स्ट्राईकच्या दिशेला आपण पाहतोय तुषार रणदिवे खेळण्यासाठी मात्र सज्ज होताना जो पाहायला मिळतोय। 22 वरती एक गडी बाद,
विजय पवार गोलंदाजी मार्ग वरती सज्ज होताना जो पाहायला मिळतो आहे। ये दूसरा ओवर है, दूसरे ओवर के कहानी बीच मैदान पर चल रही है। स्कोर 22-22 प्लस ऑफ वन विकेट। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से और पिल्डिंग के जमावट के फ्लाइंग क्लिप है, थर्ड मैन पॉइंट एक्स्ट्रा कवर एक मिड ऑफ ऑफ साइड पर यहाँ पांच खिलाड़ी तैनात है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अंदर एज खेलना तो चाहते थे लेकिन फिलहाल गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाली गेंद लेंथ और लाइन पर निर्भर है। बहुत अच्छी गेंदबाजी विजय पवार द्वारा, शुरुआत तो बहुत बढ़िया की है। इस ओवर की बात करें तो इंपॉर्टेंट ओवर विजय पवार के लिए, लेकिन तुषार दबे थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं मैदान के अंदर प्रवीण, तो बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी। तर नक्कीच पुणे शहरातील फलंदाज आहे तुषार रणदिवे। ओ हा चेंडू आपण पाहतोय कव्हरच्या दिशेला पोहोचेल, सिंगल घेतली जाईल, एक धाव त्या ठिकाणी जी घेतली जाईल आणि स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचेल 23 वरती। स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळतोय षटक क्रमांक तिसरं विजय पवारचं या ठिकाणी जे चालू आहे। प्रभनी एक सवाल मेरे मन में कल रहा है, जब आप सेमीफाइनल खेलते हैं जब फाइनल खेलते हैं तो अतिरिक्त दबाव होता है क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है, 100% देना होता है, लेकिन सामने से देखिए एक अच्छा प्लान बना हुआ है, दोनों टीमों ने एक अच्छी योजना बिल्कुल बनाई है, अपनी बोरिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए विजय तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज यहाँ भावेश शेलार। भावेश शेलार एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी और ज्यादा एक्रोच चले गए थे, गेंद बिल्कुल स्टंप को लगी है, देखने वाली बात स्टंप को लगी है। विजय पवार ने पलटवार किया, राहुल भास्कर के शॉट माघारी परतताना ज्या पाहायला मिळत आहेत। केतन मात्र चांगली फलंदाजी करत होता, 16 बाद झाला, त्यानंतर भावेश एक या धावसंख्येवरती मात्र बाद होताना जो पाहायला मिळतोय, तर न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। प्रवीण सर 2 मिनिटं, अरे फटाक्याने पळापळ तुमची झाली मंगेश सर, आणि तिथं कॅमेरावाल्याच्या फक्त समोर नको, ते डिस्टर्ब झाले का मग अवघड होईल। पलीकडच्या बाजूला धन्यवाद। प्रवीण ये शॉट अच्छा नहीं था क्योंकि ऑस्टन के ऊपर गेंद थी, डीप मिड विकेट क्षेत्र में बल्लेबाज खेलना चाहते थे, भावेश शेलार पूरी तरह से चुक गया और एक अच्छी गेंद थी विजय पवार की जिसमें विकेट प्राप्त किया। दूसरे विकेट का पतन एनबी अबर टीम के उम्मीदों को यह बहुत बड़ा झटका लगा। भूषण गोले की बात करें तो प्रवीण इन्होंने 16 बनाए हैं गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए, पहले मैच में 4 विकेट, दूसरे मैच में 6 विकेट, 10 विकेट चटकाए हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। लेकिन मैंने पहले कहा कि जब विकेट मिलता है किसी गेंदबाज को तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता हुआ गेंदबाज विजय पवार का। तर नक्कीच जबरदस्त अप्रतिम गोलंदाजी विजय पवार ची। भूषण गोळे न्यू बॅटर। हा चेंडू आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक येईल, चेंडू वरती सिंगल घेतली गेली आहे, एक धाव त्या ठिकाणी घेतली गेली आहे। एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून भूषण गोळेची ओळख आहे। याच क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये एकाच डावात 6 विकेट घेण्याचा नक्कीच रेकॉर्ड भूषण गोळेच्या नावावरती आहे। आता फलंदाजाची भूमिका सांभाळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच पोहोचताना पाहायला मिळतोय। समोर स्ट्राईकच्या दिशेला तुषार रणदिवे, तर विजय पवार गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळतोय। 24 स्कोर कार्ड वरती आहेत। हा चेंडू ऑफ स्टिकच्या जास्तीच बाहेर जाणारा वाईट बॉल, खराब चेंडू, एक एक्स्ट्रा रन धाव फलकामध्ये ऍड होईल। क्रुशियल मुकाबला आहे, बिलकुल इस पर आप देख रहे हैं, तो थर्ड अंपायर की तरफ जा रहे अक्षय निर्मल ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया और अनफील्ड अंपायर अक्षय निर्मल ने पहले व्हाइट बॉल का इशारा किया, तो अब देखते किसने चैलेंज किया, क्या योगेश पेंडकर ने वो चैलेंज किया वो देखने वाली बात है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है योगेश पेंडकर, दोनों बल्लेबाज देख रहे कि गेंद कहाँ लैंड हुई, कहाँ पिच हुई वो देखना एक भर पर चाह रहे हैं। बल्लेबाज देख रहे, योगेश पेंडकर देख रहे हैं, दोनों अंपायर भी देख रहे हैं। कुछ देर के लिए बिल्कुल खेल रुका हुआ क्योंकि क्या विकेट के अंदर गेंद गिरी या विकेट के बाहर वो भी देखा जाएगा। व्हाइट बॉल का इशारा अक्षय निर्मल ने किया है, लेकिन उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इशारा था अक्षय निर्मल, ये देखा जाएगा कि क्या गेंद
विकेट के अंदर गिरी या विकेट के बाहर गिरी है। ये देखिए क्या हुआ था, और ये वाइट बॉल का इशारा, अच्छी अंपायरिंग अक्षय निर्मल द्वारा, स्ट्राइकर इन पर तुषार रंदबे, विजय पवार गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, लॉन्गर का खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, ऑफ टर्न के बाहर वाली गेंद, विजय पवार ने कहा यह मेरा कैच है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। तुषार रंदबे बैक टू द पवेलियन, बैक टू द पवेलियन जा रहे, बड़ा झटका लगता था एनबीए टीम के लिए। आपली पॉवर नक्की दाखवतोय, एका षटकात आपण पाहतोय 2 विकेट विजय पवारनं मात्र ज्या घेतलेल्या आहेत, एक महत्वपूर्ण विकेट तुषार रंदिवेची आपल्याला ठिकाणी जी पाहायला मिळते, आणि फार मोठा जल्लोष मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला जो पाहायला मिळाला, न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येऊन पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। प्रवीण सबसे बड़ी बात है कि जो टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर था और बल्लेबाज चौथे पांचवें स्टंप की तरफ से फॉलो किया गया विजय की तरफ से, और थोड़ा आंखों से दूर डालने की कोशिश, इस गेंद को आपको ऑफसाइड पर खेलना था, जिस गेंद को आपने खेला ऑन साइड पर, मिस्टर्न स्ट्रोक था, विजय ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। दूसरा शिकार है विजय पवार का, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए मयूर, जिनके ऊपर रहेगा पूरा दारोमदार। एक तरफ भूषण गोले का बल्ला भी बोल रहे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे, लेकिन तारीफ करने की विजय पवार की, बेहतरीन गेंदबाजी इस मुकाबले में इन्होंने की है। तर नक्की सिरसार स्पोर्ट्स चॅम्पियन ट्रॉफी रोमहर्षक सामन्यांनी आतापर्यंत मात्र गजबजलेली आहे, गाजलेली आहे, आणि आपण पाहतोय एक तिसरं पर्व, पहिलं पर्व पिंपळगाव टप्पा, त्यानंतर मात्र आपण पाहिलं की पुण्यामध्ये घेतलेली या भव्य दिव्य अशा प्रकारची महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, आणि आता सिरसार स्पोर्ट्स चॅम्पियन ट्रॉफी रोमहर्षक लढती, काल देखील आपण पाहिलं की पहिला सामना सुपर ओव्हर क्रिकेटच्या रसिकांना पाहायला मिळाला। आतापर्यंत गोलंदाजांनी देखील जबरदस्त कामगिरी केली आहे, त्यामध्ये विकेट हॅट्रिक करण अंबालाच्या नावावरती आहे, त्यानंतर अनुराग सरसार यांनी मात्र घेतलेली विकेट हॅट्रिक काल आपण पाहिली, तर आज देखील अनेक रेकॉर्ड्स या मैदानावरती घडणार आहेत। विजय पवार आपले बोलिंग पतंग्यावर, ऑन साइड पर खेल रहा चाहते थे गेंद लेग स्टंप के बाहर है, तो अक्षर निर्मल दोबारा व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे, स्कोर की बात करते रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, कुल मिलाकर रन संख्या कर देखे तो टोटल बन गया है 26 रन 26। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, वो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त एनबी के टीम के लिए, साझेदारी की जरूरत है, और दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, मयूर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, भूषण गोले ने बल्लेबाजी ऑलरेडी की है, फॉर्म इनके पास है, और विजय पवार कमाल की गेंदबाजी। या दरम्यान हा चेंडू पुन्हा एकदा लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा वाइड बॉल म्हणून पंच घोषित करतायत, एक एक्स्ट्रा रन स्कोर कार्ड मध्ये ऍड होईल, आणि या स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचते 27 धावसंख्येवरती। होती क्रुशियल मुकाबला है, नियंत्रण को खोया है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर जब मैदान के अंदर आए हैं तो बिल्कुल वो रिदम था, बहुत अच्छा रिदम था आज विजय पवार के पास, लेकिन जब लेफ्ट हैंडर आते हैं तो अलग एंगल के साथ गेंदबाजी, अलग दिशा के साथ गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो थोड़ा परेशान विजय पवार, 2 गेंद व्हाइट बॉल और उसके साथ रन संख्या कर देखे तो टोटल बन गया है 27 प्लस 3 विकेट। ओवर की बात कर तो बहुत महत्वपूर्ण, ये तीसरा ओवर बीच मैदान पर प्रगति पर है, स्मृति मंदाना बस स्टैंड इन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, और आखिरी गेंद शेष स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज मयूर तैयार। या दरम्यान आपण पाहिलं की बिग हिट खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु हा चेंडू असेल डॉट निर्धाव, एक यशस्वी षटक विजय पवारचं आपण या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। स्कोर कार्ड वरती नजर टाकली तर धावा पाहायला मिळत आहेत 27 धावा स्कोर कार्ड वरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 27। धन्यवाद उपस्थितांना सर्वांचं परत एकदा मी मनापासून स्वागत करतो, हार्दिक स्वागत करतो, विशेष करून अगदी आपण पाहतोय की या क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने महिलांसाठी स्पेशली जागा आहे, त्याचबरोबर अगदी आपण पाहतोय पुरुष वर्गासाठी सुद्धा जागा निश्चित प्रमाण आपल्याला जी पाहायला मिळते ऑन स्क्रीन, आपल्याला ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून ज्या घटना पाहायला मिळत आहेत त्या आपल्याला निश्चित प्रमाणात जे दिसत आहेत,
या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये जे बसलेले खेळाडू आहेत त्यांना विनंती असेल प्रेझेंटेशन बॉक्स आणि विशेष करून आता ऑन स्क्रीन आपण ज्यांना पाहतोय शिरसा स्पोर्ट्सचे ओनर जे आहेत आदरणीय अमोल अर्थात अंबादाजी शिरसाट यांचे पिताश्री जगन्नाथदादा शिरसाट निश्चितप्रमाणे यांना आपण निश्चितप्रमाणे ऑन स्क्रीन पाहतोय. शेतकरी कुटुंबातील असणारा माणूस साधी राहणीमान आहे पण आपल्या मुलाच्या कर्तव्यगारीच्या माध्यमातून जगभर प्रसिद्ध असणारे हे शिरसाट परिवार ते जगन्नाथदादा ठिकाणी आपल्याला दिसतात त्यांच्यासाठी आपण एकदा जोरदार टाळा वाजूया. दादांचा मनापासून या ठिकाणी कौतुक दादांचा मनापासून ठिकाणी स्वागत धन्यवाद. ओव्हर टू कॉम्पिटिटिव्ह बॉक्स. मारा करण्यासाठी श्याम त्रिंबके गोलंदाजी मार्ग वरती सज्ज होताना जो पाहायला मिळतो आहे हा चेंडू आपण पाहतोय लॉंगॉनच्या दिशेला अभिजित दुधे चेंडू वरती सिंगल घेतली जाते दुसरी धाव देखील त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाईल. शिरसाट कुटुंबियांचं फार मोठं योगदान क्रिकेटसाठी आपण पाहिलं. नव्यानंच 22 तारखेला पाथर्डी शहरात शुभारंभ नक्कीच होताना जो पाहायला मिळतोय वन रन शॉट पंतांचा इशारा येताना जो पाहायला मिळतोय. 22 तारखेला शुभारंभ झाला सिरसाट स्पोर्ट्स अकॅडमी आणि अकॅडमीच्या माध्यमातून नक्कीच अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे चालू आहे आणि ऍडमिशनसाठी तुम्हाला अतुलजी शिरसाट यांच्याशी संपर्क करायचा आहे. शाम की अगली गेंद गेंद बाधी करने का तैयार इस बार मिस्टर टोकर शाम गेंद के नीचे भूषण का काम तमाम शानदार काम कर रहे शाम मैग्निफिसेंट बॉलिंग सुपर बॉलिंग. अभिजित कुलकर्णी साहेब उपस्थित झालेले आहेत त्याचबरोबर खास करून आपल्या या क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने जर आपण पाहिलं तर पाथर्डी शहरातील लेदर बॉलचे अतिशय एक जाणकार व्यक्तिमत्व आणि विशेष करून एक चांगले आघाडीचे फलंदाज ओपनर बॅट्समन ओपनर बॅटर आदरणीय रवी वायकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. रवी वायकर सरांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत हार्दिक स्वागत. थँक्यू. शुक्रिया मनोज. साई क्रिक प्रेजेंट चैंपियन ट्रॉफी 2023 सीजन 3 ऑर्गेनाइज बाय शिरसा स्पोर्ट मिस्टर अंबादास शिरसाट सतीश शिरसाट अतुल शिरसाट अर्जुन बनबे. बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का आज का ग्रैंड फिनाले का दिन और सुंदर गेंदबाजी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज शाम द्वारा नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं अक्षय तावरे मोरगांव का यह बंदा है कमाल की एक बार फिर बल्लेबाजी करता है ऑलराउंडर खिलाड़ी फिनिशर के नाम पर फिनिशर है हर बार जाके एक अच्छा फिनिश अपने टीम के लिए देता है लेकिन शाम फॉर्म में है जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. शाम त्रिंबकेला मिळालेलं यश मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा श्याम सज्ज होताना जो पाहायला मिळतोय. ओ अप्रतिम चेंडू टाकलाय बॅट आणि बॉलचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क नाहीये चेंडू असेल डॉट चेंडू असेल निर्धाव श्याम त्रिंबकेची अप्रतिम गोलंदाजी. वंडरफुल बॉलिंग बाय श्याम. अक्षय तावरे भी कुछ कम नहीं है मजा आएगा दमकम वाली क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलेगा. ऑफ स्टंप के बाहर दोबारा एक बार फिर देखा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा है. क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन शाम द्वारा इस मुकाबले में. शाम त्रिंबके पुनः एकदा गोलंदाजी मार्ग पर तैयार रिवर्स साठी ट्राय केला गेलाय परंतु आपण पाहतोय तीन चेंडू किती प्रभावी टाकलेत अप्रतिम गोलंदाजी श्याम त्रिंबके. अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती उनको पढ़ना पड़ता है उसी तरह से गेंदों को पढ़ने की जरूरत है. इस बार फाइनल क्षेत्र में गेंद जाते हुए खिलाड़ी बिल्कुल बॉडी रन पर पीछे कोई नहीं था अविनाश रामगुड़े धारी के अंदर है अगर यहाँ इस गेंद पर अगर बल्ला भी लगता तो बिल्कुल बात बनती है. शरा शाम का अच्छा ओवर बेहतरीन गेंदबाजी रही है स्कोर अगर देखें तो कुल मिलाकर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एनबी अवत फाउंडेशन. विशेष म्हणजे दोन सेमी फायनल झाल्यानंतर धन्यवाद थोड्या वेळासाठी तुम्हाला थांबवतोय कारण प्रेक्षणीय लढत जी आपण पाहणार आहोत बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आणि रेस्ट ऑफ इंडिया त्यासाठी सुद्धा खास प्राइज आहे. आदिनाथजी डोंकावळे म्हणजेच पावन गणपती प्रतिष्ठान पाथर्डी यांच्या वतीनं जो संघ जिंकणारा प्रेक्षणीय लढतीमध्ये त्याला मिळणार आहेत 25,000 रुपये आणि ही चमचमणारी ट्रॉफी त्या विजेत्या संघाला आपण देणार आहोत. म्हणजेच प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा जेव्हा आपण प्रेक्षण लढती पाहतो तुम्हाला वेगळा क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळतो पण या ठिकाणी प्रेक्षकांचा थरार अजून उंचवण्यासाठी कॅश प्राईज आणि चमचमणारी ट्रॉफी धन्यवाद. शुक्रिया मनीष.
वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बसिस्ट चैंपियन ट्रॉफी 2023 सेमीफाइनल का मुकाबला। थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है बल्लेबाजों, खास करके बीच मैदान पर अक्षय तावरे। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो भाई, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। थोड़ा सा एक बार फिर मनोबल थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सामने से तिखी गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की आज गेंदबाजों ने। निश्चितपणे अप्रतिम गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये विजय पवार, श्याम त्रिंबके नक्कीच करताना आपल्याला पाहायला मिळाले। तर आता गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय सूर्या, नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवरती, समोर अक्षय। हा चेंडू आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक येईल चेंडूवरती, शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेला चेंडू आपण पाहतोय, घेतली जाते ती सिंगल फेकी, त्या ठिकाणी मात्र यष्टीरक्षक योगेश पेनकरच्या हातात पोहोचताना पाहायला मिळते। दोन सेमीफायनल झाल्यानंतर आणखीन एका लढतीकडे क्रिकेट रसिकांच्या नक्कीच नजरा लागून असतील। आज बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आणि त्यांच्या विरोधात रेस्ट ऑफ इंडिया अशी लढत क्रिकेटच्या रसिकांना मात्र नक्की जी पाहायला मिळणार आहे। आणि त्याचबरोबर मात्र पाथर्डीतील खेळाडूंना देखील संधी दिली आहे, पाथर्डी ए विरुद्ध पाथर्डी बी ही लढत देखील क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळणार आहे, खास क्रिकेट रसिकांसाठी मेजवानी। इंटरेस्टिंग मुकाबले है, सूर्या ने दो विकेट चटका इस प्रतियोगिता में। अब जिम्मेदारी मयूर के ऊपर, जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, काबिलियत है, अनुभव भी है इनके पास। शॉर्ट सिलेक्शन मायने रखता है इस मुकाबले में, गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार सूर्या। ऑन साइड पर कड़े कड़े खेल दिया, ऑन साइड पर डीप विकेट पर बाउंड्री लाइन पर अभिजीत दुबे ने फील किया, बहुत बेहतरीन तरीके से एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बचा पहुंचा है, कुल मिलाकर 31 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट सर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड, एंड नाउ नीड अ पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए। फंटास्टिक बॉलिंग, क्या जबरदस्त गेंदबाजी रही है। अब अक्षय तावरे के ऊपर पूरा दारोमदार। पांचवा षटक प्रगति पथावरती, गोलंदाज पुनः एकदा सज्ज, जोरदार अपील आणि याच बरोबर पाहायला मिळते विकेट, फलंदाज बाद। एक विनंती आहे, टॉस बॉक्सच्या समोर जे बसलेले आहेत, जे खाली पाय करून जे बसलेले आहेत, विनंती असेल पाय वर करून बसा। पलीकडच्या साईडला लहान मुलं, पाय वर घ्या, पॅवेलियन नंबर वन, पॅवेलियन नंबर वन, पाय वर करून बसा, थोडंसं मागं सरकून बसा। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर साई क्रिक प्रेजेंट, ये मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला बीच मैदान में जारी है, और बहुत बड़ा सन, बहुत बड़ा मैदान बीच मैदान में आप देख रहे हैं, और चलेंगे वहां पर माइक के साथ में फिर से एक बार प्रशांत अदौड़े सर। शुक्रिया सलीम, वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बशीर चैंपियन ट्रॉफी 2023 एनबी अबर टीम के हालात कुछ अच्छे नहीं है, प्रेशर बना हुआ है, और आखिर के जो दो ओवर है आपको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक अच्छा बैंक बैलेंस बनेगा तो बिल्कुल बाद में। ये डाइस देखे और ड्रोन व्यू, अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, सिरसा स्पोर्ट चैंपियन ट्रॉफी 2023 सीजन 3। क्रिकेट खेळ जिद्दीचा खेळ, क्रिकेट खेळ संघर्षाचा खेळ, शेवटपर्यंत जिद्दीने नक्की जो खेळेल तो मिळवेल विजेतेपद, आणि विजेतेपद मिळवण्याच्या उद्देशानं आज प्रत्येक जण मैदानाच्या आतमध्ये उतरलाय। गोलंदाज पुन्हा एकदा सूर्या, गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होताना जो पाहायला मिळतोय, ओ हा चेंडू आपण पाहतोय, शतरक्षक येईल चेंडूवरती, सिंगल पूर्ण केली गेली आहे, दुसऱ्या धावेसाठी कॉल केला गेलाय, फेकी पोहोचली योगेश पेनकरच्या हातात, येष्ट्या उडवल्यात आणि निर्णय जातोय तिसऱ्या पंचांकडे, थर्ड अंपायर। प्रेशर बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर बना हुआ है, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, शानदार फील्डिंग, और उसका अब परिणाम क्या आएगा देखने वाली बात है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, इरफान मलिक जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इरफान मलिक की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन इरफान का रहा है, जो पिछला मैच था मतलब कल की जो कहानी थी जिसमें उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। अब फिलहाल ये दृश्य देखे, ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, एक अच्छा माहौल बना हुआ है, काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद है, और प्रवीण डिसीजन पेंडिंग आप देख रहे हैं इस वक्त, ये ग्राफिक सारे अच्छे ग्राफिक टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा हाई डेफिनेशन कैमरे का इस्तेमाल, 12 कैमरे का इस्तेमाल हुआ, और पिछले 4 दिनों में क्या जबरदस्त तरीके से दर्शकों ने सपोर्ट किया है मैन ऑफ द सीरीज के लिए। उसके साथ
टीम के ओनर के लिए बाइक और एग्जीबिशन मुकाबला, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र रेस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा मुकाबला थोड़ी देर के बाद आने वाला है। नॉट आउट, निर्णय नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचतो आहे। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला जो पाहायला मिळते एक, आणि या स्कोर कार्ड वरती नजर जर टाकली तर धावा पाहायला मिळत आहेत। तेहतीस धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळत आहेत। मान्यवर कक्ष फुल नक्कीच झालेला आहे, आपण पाहतोय प्रेक्षक गॅलरीज गच्च भरून वाहताना नक्की जी पाहायला मिळते, आणि नक्कीच प्रचंड मोठा प्रतिसाद या क्रिकेटच्या स्पर्धेला लाभताना जो पाहायला मिळतोय। अमोलजी शिरसाट मित्र परिवार बिग हिट केलाय, चेंडू पोहोचेल सीमारेषेच्या बाहेर, उत्तुंग षटकार। बिल्कुल, अब एक बार फिर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपनी टीम के लिए इरफान मलिक, बेहतरीन स्ट्रोक था, मच नीडेड सिक्स फॉर द बैटिंग साइड, अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बेहतरीन किया, कमाल का स्ट्रोक। अब जाकर क्या, बारिश की पहली बूंद गिरी है, अब रनों की बरसात आएगी, छक्के चौकों की बरसात होगी, वो देखना बहुत जरूरी। तर नक्कीच आयोजक अमोल जी शिरसाट, त्यानंतर आपण पाहतोय मेजर सतीश शिरसाट। एक सूचना आहे, पलीकडच्या बाजूला फ्लेक्स लावला जातो ना, त्याच्यामुळे पाठीमागे बसलेले जे आहेत ना डग आउट मध्ये, फक्त एक पायरी खाली सोडून बसा, म्हणजे तो फ्लेक्स लावला जाईल, एक पायरी सोडून। थँक्यू। या दरम्यान आपण पाहतोय फुल टॉस, चेंडू बॅट वरती घेतला होता, शतरक्षक केल, चेंडू वरती घेतली जाईल ती सिंगल, एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाती, एक 39 वरती स्कोर कार्ड, आता 40 वरती जाऊन पोहोचले सिंगल बरोबर। इम्रान मलिक 3 चेंडू 9 धावांवरती, मयूर नक्कीच आपण पाहतोय एक धाव संख्येवरती आपल्याला जो पाहायला मिळतोय, आणि या धाव फलकावरती धाबा आहेत त्या 40 धाबा, 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। प्रवीण 20 गेंदों के बाद वो बिल्कुल वो बड़ा स्ट्रोक आया था एनबी अबन टीम के लिए, और एक अच्छी जानकारी बिल्कुल सोनम चौहान हमें दे रही है, शीर्षाट चैंपियन ट्रॉफी 2023 के जो अद्भुत कहानी बिल्कुल आप देख रहे हैं, कमाल का ये टूर्नामेंट, सक्सेसफुल टूर्नामेंट है, सुपर ओवर हुआ, मेडन ओवर देखने का मौका मिला, विकास ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का तो मेडन ओवर डाला था, हैट्रिक की चर्चा हुई, 3 अर्धशतक इस प्रतियोगिता में, धुआंधार बल्लेबाजी के साथ रोचक मुकाबले, सबसे बड़ी बात है रन जब बन रहे तो रोचकता बरकरार रही इस प्रतियोगिता में, लगभग 12 मैचेस कमाल के रहे हैं। त्याचबरोबर दर्शकांसाठी आणखीन एक सूचना, कायनेटिक ग्रीनचं भव्य शोरूम पाथर्डी शहरामध्ये आहे, छत्रपती पुरस्कार विजेते सतीशभाऊ शिरसाट यांचं कायनेटिक ग्रीन जे शोरूम आहे त्या शोरूमला अवश्य भेट द्या, अगदी त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला आकर्षक टू व्हीलर कायनेटिक ग्रीन पाहायला मिळेल। मारा करण्यासाठी मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार, ओ आकाशाचे वेद, शतरक्षक चेंडूच्या खाली, झेल टिपला जातोय, अभिजित दुधे नगर एक्सप्रेसला मिळतंय, टॉस आपल्याला इनिंग ब्रेक मध्ये घ्यायचा आहे, त्यामुळे बोथ कॅप्टन आपण या ठिकाणी रेडी राहा, दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती असेल, दोन्ही टीम के कॅप्टन को गुजारिश आहे, शुक्रू भाई आणि पप्पू दोडकर रेडी राहा, प्लेइंग 11 दिली का पप्पू सर, ओके अर्जुन अबाडी, त्याचबरोबर या ठिकाणी ज्यांच्या मालकीचा संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय त्या आदरणीय जगदंब प्रतिष्ठान एडगड प्रतिदादा खेडकरकडे उपस्थित झालेले आहेत, दादांचे मनापासून स्वागत, त्याबरोबर आज ड्रोन कॅमेराच्या माध्यमातून जे काही आपण शूट करतोय
द्रोण सेवा देणारे दैनिक लोकमतचे पत्रकार अशोकजी आव्हाड साहेब, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष उमेश मुरगावकर सर उपस्थित आहेत. सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. थँक्यू. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हैं. पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाएगी बाउंड्री रन की तरफ. चार रनों के लिए वारे वारे आपके वारे नारे मैदान. स्टॉक खेला गया. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. मिला रूम और बल्लेबाज ने मचाया धूम. अच्छा स्टोक था, बहुत अच्छा स्टोक था बल्लेबाज सतीश पटारी का. स्कोर अगर देखे तो 44 छह विकेट के नुकसान पर निर्णायक ओवर बीच मैदान पर. करा शॉट ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. टिप ऑफ स्टंप के बाहर है. अच्छी लेंद अभिजीत दुबे द्वारा. दर्शक एक बार फिर रिएक्ट होना शुरू हो गया है. क्या बेहतरीन क्रिकेट, अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है. स्कोर अगर देखे तो 44 छह विकेट के नुकसान पर. प्रेक्षकांचा फार मोठा आवाज आपल्या कानावरती नक्कीच ऐकायला मिळतोय. ही सुरुवात आहे आजच्या दिवसाची आणि या खऱ्या अर्थानं नक्कीच दिवसभर प्रेक्षकांचं मनोरंजन झाल्याशिवाय राहणार नाही. सतीश पठारे साठी टाकलेला चेंडू आपण पाहतोय. क्रीज सोडली एका बाजूनं आणि पाहायला मिळेल धावबाची महत्वपूर्ण विकेट. खेलने का प्रयास करते हुए जरूर देखा दो बार में बीट में सतीश पटारे. पहली गेंद पर बहुत अच्छा स्ट्रोक था. पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया था गेंद की मेरिट के हिसाब से, लेकिन उसके बाद में आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अच्छी तरह लेंगे, थोड़ा ऊपर आ सकते थे. बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पिछले दो सालों से, फॉर्म में खिलाड़ी है. मयूर ऑन स्ट्राइक. निर्णय ओवर का खेल. स्कोर 44 सात विकेट के नुकसान पर. ऑफ स्टंप के बाहर आके गेंद को खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन शानदार गेंदबाजी अभिजीत दुबे द्वारा. और एक विकेट बल्लेबाज मयूर बैक टू द करना होगा, अभी करना होगा. तो अभी क्यों, बहुत अच्छी तरह से मालूम है और दबाव में अच्छी गेंदबाजी करते सिरसार स्पोर्ट म्हटलं की नक्कीच क्रीडा क्षेत्र नक्की येताना जे पाहायला मिळतं. आणि आपण पाहिलं की या शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते आहेत सन्माननीय सतीश भाऊ शिरसाट. आणि सायंकाळच्या सत्रात या क्रिकेटच्या स्पर्धेसाठी रोईंग अर्जुन पुरस्कार विजेते दत्तूभाऊ भोकनल यांचं देखील आगमन या ठिकाणी होणार आहे. याचबरोबर केलं गेलं आक्रमण, चेंडू पोहोचेल सीमारेषेच्या बाहेर, उत्तुंग षटका. बल्ले के बीच में खेल दिया, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन और डाउन द ग्राउंड गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए. ओवर की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त 6 ओवर का खेल समाप्त. रन संख्या कुल मिलाकर 50. पहले बल्लेबाजी करते हुए एनबी अवर्थ स्पोर्ट फाउंडेशन और केतन मात्रे जिन्होंने बनाया 16 रन. उसके साथ भावेश शेरार की बात करते 1 रन, तुषार रंदे में 2 रन. आज भूषण का बल्ला नहीं बोला, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी मयूर करंडे ने प्रभावित नहीं किया. इरफान मलिक के वो 9 रन और आखिरी गेंद पर प्रज्वल का शानदार छक्का. एक्स्ट्रा 8 धावा येताना आपण नक्की जे पाहिले आणि 6 षटकांमध्ये 50 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये स्कोर कार्ड वरती लागताना जे पाहायला मिळतात.
तर नक्कीच 50 धाबा स्कोर कार्ड वरती लागता आहेत. 51 धाबांचं लक्ष्य नक्कीच समोर जे ठेवलं गेले. तर गोलंदाजी आपण जर पाहिली तर मात्र विजय पवार 2 षटक टाकली आपण पाहिली, 15 धावा खर्च केल्या, 2 विकेट घेतल्या. श्याम त्र्यंबके 2 षटक टाकली, 13 धावा खर्च केल्या, 2 विकेट घेतल्या. सूर्या यांनी आपण पाहिलं 1 षटक टाकलं, 11 धावा खर्च केल्या, 1 विकेट घेतली. तर अभिजित दुधे 1 षटक टाकलं, 10 धावा खर्च केल्या, 2 विकेट घेतल्या. अभिजित दुधे जबरदस्त गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळाली. शानदार गेंदबाजी विकास की भी रही, विजय की बहुत बढ़िया. जैसे कि विकास ने कल गेंदबाजी की थी उसी तरह से विजय ने आज गेंदबाजी की है. तो ये पहली इनिंग की जो हाईलाइट है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है केतन मात्र की, और बड़े स्टोकेडो ने खेलने का प्रयास किया, टैकल किया गया था, अनसेटल किया, क्रिस के गहरे का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करते हुए रन बनाए और उसके बाद अगर देखे तो विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा. उसके बाद में लगातार रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और बहुत बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजों का, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. ये पहली पारी का जो कहानी है एनबी अवध संघर्ष करते हुए आपने जरूर देखा. ये अक्षय तावर तावरे बैक टू द पवेलियन, उसके बाद में एक ऑनसेट पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, शानदार गेंदबाजी, सारे गेंदबाजों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है. विजय पवार उसके साथ श्याम त्र्यंबके, सूर्या और अभिजीत दुधे का योगदान बहुत ही बढ़िया रहा है. जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है. और हमारे साथ अब दूसरे इनिंग की कहानी बताने के लिए एक तरफ एक मिटिया सलीम भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ेंगे जुंदर भूषण मनोज पर्लेकर. तो ये दूसरा पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होगा. जितने दर्शक हमारे साथ आए सबका स्वागत है. एक टॉस करूया. पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, दोन्ही कॅप्टन्सला विनंती करतो लगेच यायचे. चला यशवंत भाऊ पचंगे प्रतिष्ठान शिरूर पप्पू तोडकर आपण जॉईन व्हायचं आहे. तसेच एल के स्टार राजशक्ती रिबडा गुजरात या कॅप्टन्सने देखील लगेच यायचं आहे. आमच्यासोबत पाहुणे उपस्थित आहेत. सन्मान्य भाऊसाहेब सिरसाट आपण लगेचच या टॉस सेरेमनीसाठी आम्हाला जॉईन व्हायचं आहे. सन्मान्य भाऊसाहेब सिरसाट आपण लगेच जॉईन व्हा. दुसरा डाव लगेच सुरू होणार आहे. आपण उपांत्य फेरीचा टॉस करणार आहोत. थोडी प्रतिक्रिया दोन्ही कॅप्टनची जाणून घेऊया आणि लगेच आपण पुढच्या डाव्याकडे वळणार आहोत. खूप चांगली ही स्पर्धा रंगते, प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळतोय कारण सामने त्या पद्धतीचे होत आहेत आणि म्हणूनच बघा आजच्या या वेळपत्रकासाठी पाहुण्यांनी वेळ राखलेला आहे, प्रेक्षकांनी सुद्धा आपला वेळ राखलेला आहे. गुजरातचे प्रेक्षक देखील मोठ्या संख्येने आम्हाला जॉईन झालेले आहेत. एका बाजूनं पूर्ण भारतभर ही स्पर्धा प्रत्येक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते. तर आपण टॉसची प्रक्रिया सुरू करूया. एका बाजूला आहे यशवंत भाऊ पाचंगे शिरूर, एका बाजूला एल के स्टार राजशक्ती रिबडा गुजरात. तर हेड अँड टेल तुम्हाला छापा किंवा काटा असं पारंपरिक कॉल द्यायचा आहे. कॉल कोण देईल, चलेगा? ओके, पप्पू तोडकर कॉल देतील. टेल्स इज अ कॉल. रोलिंग अँड टेल्स इट इज. तर नाणेफेक जिंकलेले आहे पप्पू तोडकर यांनी. तर उपांत्य फेरीचा सामना, इतकी जी मेहनत केलेली आहे त्या मेहनतीसाठी तर सलाम असेलच, पण तितक्यात थांबून चालणार नाही. आजचा दिवस देईल नावावर करायचा आहे. नाणेफेक जिंकले, निर्णय काय असेल? आम्ही पहिली बॅटिंग करणार. जो मागचा प्रवास राहिलेला आहे स्ट्रगलने तो भरलेला, तो पहिला सामना तुमच्या बाजूने झुकला नव्हता, तुमचा खेळ तितका तुमच्या मनाप्रमाणे झाला नव्हता, पण त्यातून काय शिकून या ठिकाणी आता आजचा खेळ वेगळा राहील का? नक्कीच मागच्या सर्व चुका आम्ही सुधारू आणि आज नवीन ह्यांनी आणि टीमचं मी खरोखरच माझ्या टीमचं मला खूप अभिमान आहे की त्यांनी ज्याप्रमाणे खेळ केला आणि आमचे जे स्पॉन्सर आहेत यशवंत भाऊ पाचंगे आणि सागरप्पा दंडवते यांचं मी मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला या स्पर्धेत खेळण्याची संधी दिली. बल्लेबाजी चुनी है यशवंत भाऊ पाचंगे शिरू टीम ने, आपको फील्डिंग करने आपके मन के हिसाब से ये डिसीजन है कि मन के खिलाफ? जी मन के हिसाब से ही है क्योंकि हम भी फास्ट फील्ड करने वाले थे. टीम में कोई बदलाव कि वही टीम खेलेगी? फर्स्ट एक चेंज किया है, प्रदीप पाटिल रहेगा, टीम तो वही है. तर नाणेफेक जिंकून यशवंत भाऊ पाचंगे शिरू या संघाने फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि गोलंदाजी करायची आहे एल के स्टार रिबडा गुजरात या संघाला. दोन्ही संघात शुभेच्छा द्याव्या. थेट समालोचन कक्षामध्ये त्या ठिकाणी सज्ज आहे समालोचक सलीम सर आणि त्यांच्या सोबतीने असतील मनोज बेलेकर सर. तुकडे सरजी,
स्वागत है आप सबका फिर से एक बार ऐतिहासिक ये लम्हे साई क्रिक प्रेजेंट आप देख रहे हैं सिरसा चैंपियन ट्रॉफी। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय शिवराय, जय जीजाऊ। मेरे साथ में कमेंट्री बॉक्स में अगर देखे तो मनोज बेलेकर, आपका भी स्वागत है इस मंच पे। और 50 लगे बोर्ड के ऊपर, 51 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और जो 51 बनेगा सीधा जाएगा इस फाइनल में। नक्कीच अपन अशा काही क्रिकेट स्पर्धेची वाट पाहत होतो। देखिए आसानी है यहाँ पर, गेंदबाजी मार पे गुजरात की खुशबू, नाजिम गुल्ली बहुत ही प्रभावित किया टेनिस क्रिकेट विश्व का ये खिलाड़ी नाजिम गुल्ली। आप देख रहे हैं सामने रजत मुंडे, एक्सपीरियंस इनके भी, योगेश पेनकर के साथ में हमेशा खेलते हैं। फुल टॉस है, गेंद मिड ऑफ के ऊपर से, कमाल का ये खिलाड़ी है, ये गेंद गई है सीमा पार। तो फुल टॉस होता, रजत मुंडेचा एक चौकर आला। परत एकदा इथे इथे मात्र परत एकदा शॉट पिच, चेंडू रजत मुंडेच्या बॅटमध्ये, चेंडू फाईन लागला, सीमा रेषेच्या बाहेर आहे, छेरन षटकार। इस छोटी गेंद को खोटी कर दी रजत मुंडे ने, दो गेंदों में ये समीकरण स्पष्ट करते हुए। क्या बेहतर बल्लेबाजी कर रहे बीच मैदान में रजत मुंडे, उनके साथ में टीम के नायक योगेश पेनकर, ऑरेंज आर्मी बीच मैदान में। नाजिम गुल्ली इस बार स्वैग स्वीप, लेकिन सीधा खोटी में इस बार फंसाया। क्या यहां पर कुछ ट्विस्ट बाकी है, क्या यहां पर कुछ हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी विकेट, रजत मुंडे जाएंगे बैक टू द पवेलियन, बड़ा विकेट आता हुआ इस टीम एनबीए अवार्ड को। वारंवार अगदी आपण पाहतोय सातत्याने बिघड करण्याचा प्रयत्न केले गेले होते, परंतु झेल अतिशय अप्रतिम होता, अगदी चेंडू सीमारेषेच्या बाहेरच होता, उंचीचा पुरेपूर फायदा पाहायला मिळालाय आणि कुठल्या प्रकारची चूक मात्र त्या क्षेत्ररक्षकाने केली नाही, चांगला झेल होताना पाहायला मिळाला। आणि मला वाटतं तिसऱ्या पंच डी आर असण्याचे प्रमाण अगदी आपण पाहतोय, थोडीशी काय आउट आहे, ओके चला थँक्यू। पंचांचा इशारा आणि चेपर पण अगदी आपण पाहतोय, इथे फलंदाज बाद असणार आहे। ऑनस्क्रीन प्रत्येक एकदा आपण पाहूया, गुडघा जमीन ते टेकला होता, मिड विकेटला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु क्षेत्ररक्षकाची कामगिरी अतिशय सुरेख आणि काही इंच होता चेंडू अगदी सीमारच्या जवळपास, पण तिथे एक चांगला झेल उतरा पाहायला मिळाला आणि ज्या अडचणी होत्या त्या दूर केल्या। थँक्यू टेनिस क्रिकेट डॉट इन, टेनिस क्रिकेट डॉट इन अगर देखिए प्रभावित हमेशा करते हैं संतोषी नानेकर एंड टीम, कैमरे के साथ में इस टूर्नामेंट को कवर करें। और फिलहाल अगर देखिए तो मजा आएगा क्योंकि पुणे टेनिस क्रिकेट विश्व का एक कोहिनूर हीरा पप्पू रामगुड़े, अविनाश तथा पप्पू रामगुड़े बीच मैदान में आते हुए, शायद इनके बारे में बहुत सारे चर्चे रहेंगे। और अक्सर कहते हैं ना, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसा जियो कि इस कदर जियो कि आप मिसाल बन जाए। क्या यहाँ पर मिसाल बन जाएगी, पहला मुकाबला खेल रहे, पहला सेमीफाइनल, मेगा फाइनल, आज दिन एक कड़क मुकाबला है बीच मैदान में। नक्कीच, आणि विशेष म्हणजे अगदी आपण पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये दोन असे काही खेळाडू आहेत जे आमने सामने, एक नाजिम गुल्ली आणि एक अविनाश रामगुडे, यांचा फॅन फॉलो वेगळा वेगळा आहे। नाजिम गुल्लीचा फॅन फॉलो वेगळा आहे आणि अविनाश रामगुडे याचा फॅन फॉलो वेगळा आहे, तो काय त्याचं कारण असं आहे, इथे मात्र क्षेत्ररक्षण सुरेख आणि इथे ओहो इथे संधी गमावली आणि बाद होता होता इथे वाचला गेलाय पप्पू रामगुडे आणि त्याचबरोबर एक नाही दोन धावा आल्यात, हे चुका आहेत। फिलहाल अगर देखिए मैं बात करूँ, ये जैसे ही दोनों ये आपने अविनाश तथा पप्पू रामगुड़े की बात की, उसके साथ में नाजिम गुल्ली की बात करी, ये दोनों 40+ के खिलाड़ी हैं और बखूबी देखिए बातचीत कर रहे हैं। पप्पू रामगुड़े देख रहे मुस्कुरा के, कहे भाई रन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ये दोनों के बारे में ऐसे मैदान के बाहर तो बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान के अंदर आए तो दोस्त दोस्त कहाँ रहता है सर जी। आणि विशेष म्हणजे आपण पाहिलं ना तर जिथे क्षेत्ररक्षण करत असताना थोडंसं क्षेत्ररक्षणाची
जबाबदारी पार पड़ता असताना फिकी थोडीशी खराब होताना पाहायला मिळाली ही तितकंच निश्चित प्रमाण आपल्याला जाणवलं. एक सिंगल तर येणार आहे तिथे क्षेत्ररक्षक चिन्हवरती पोहोचेल. एक सिंगल आरामात आली आणि एका सिंगलच्या रूपाने षटकाची सुद्धा समाप्ती होते. पहिल्या क्रमांकाचं षटक नाझीम गुल्लीच्या रूपाने संपलं. 51चा पाठलाग आहे आणि धापाळकती धावसंख्या एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये असेल 14 धावा 14 रन लॉस ऑफ 1 विकेट इन फर्स्ट ओवर कंप्लीट. हाँ देखिए 14 रन 1 विकेट खोया है. आप देख रहे खूबसूरत नजारा और खूबसूरत लम्हे इस टूर्नामेंट के साथ में. पिछले कुछ दिनों से मेहनत थी, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चले, सबने मेहनत की है, लेकिन जितनी तारीफ यहाँ पर मेजर की कर ले, जितनी तारीफ अमोल जी इनकी कर ले, ये बहुत कम है. पाथरडी नगरी के दर्शक काफ़ी खूबसूरत, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त मंच आप बीच मैदान में देख रहे हैं. अब स्क्रीन के सामने मयूर कारंडे ये भी देख रहे हैं आप इनको. लेकिन यहाँ पर देखिए ऑफिशियल स्कोरर सुमनता है, हमेशा बहुत अच्छा करके लाते हैं. विशेष म्हणजे सलीम भाई अगदी 4 कलर मध्ये निश्चित प्रमाण हे लिखाण अगदी आपण पाहतोय. ब्लॅक कलर, ब्ल्यू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, आणि जिथं षटकार गेल्यानंतर अगदी कोणता कलर वापरायचा किंवा खूप बारकाईने लक्ष असतं बॉल टुरन, आणि खूप जबरदस्त काम आणि हॅट्स ऑफ सोनमताई सवाल. बहुत ही जबरदस्त प्रभावित किया है, क्योंकि अपना काम वो आप बखूबी निभाते हैं. लेकिन थोड़ा सा देखिए पहले ओवर में 14 रन है, 1 विकेट जरूर है, लेकिन आप गेंदबाज में बदलाव होता हुआ गेंदबाजी मार पे आप देखेंगे तो एक बेहतर गेंदबाज भूषण गोले मैन फ्रॉम सातारा 6 विकेट इन्होंने लिए थे. पहले अगर ये कल की बात करेंगे 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज, ये काफी तगड़ा गेंदबाज है और सातारा के गर्व है भूषण गोले. अजून एक गोष्ट मला आताच कळली, जे स्कोरबुक जे आपण पाहतो ना जे बनवले गेले, थँक यू राहुल भाई शाह, राहुल भाईच्या फॅक्टरीमध्ये बनलेलं हे स्कोरबुक आहे, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आरियस अर्थात राहुल भाई शाह, थँक्यू. भूषण गोळे तयार होते हुए अविनाश तथा पप्पू रामगुडे के लिए. ये पहली गेंद काफी बाहर, ये गेंद मिस्टर एक्सट्रास के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत की है. आसान नहीं है यार, देखिए अब देखिए आसान, अब देखिए मौसम की अगर बात करेंगे आसमान पे काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन काले बादल कभी कभी सुख भी देखे जाते हैं, कभी कभी दुख भी देखे जाते हैं. नाही पण इथं मला असं वाटतं की इथे सगळ्यांना सुख मिळणार आहे, सगळ्यांना समाधान मिळणार आहे, यात कुठल्या प्रकारची शंका नाही. कारण सगळेजण आनंद घ्यायला आलेत, यात कुठल्या प्रकारची शंका नाही. भूषणचा हा चेंडू इथे मात्र खेळला जाईल मयूर कर्णेच्या निश्चित डोक्यावरून पोहोचला गेला. लॉंग ऑफला सीमारेषेच्या बाहेर आहे. शीर्षक चॅम्पियन ट्रॉफीचा खणखणीत सावकार आहे. देखिए सामने वाली गेंद थी और बिल्कुल स्लॉट में थी, मिड ऑफ के खिलाड़ी मयूर कारुंडे को बीट कराते हुए गेंद कमाल का चौका यहां पर जड़ते हुए. एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी में और ये कहते हैं कि इतने साल हमने टेनिस क्रिकेट में क्यों गुजारे, इसके यहां पर उदाहरण देते हुए बीच मैदान में पप्पू रामगुड़े पर देखा. ओ इतने मात्र क्षेत्ररक्षक थोड़ा सा दूरवर्ती आणि अजून एक चौका करील महेंद्र सिंह धोनी त्यांच्या अगदी समोर खेळलेला खणखणीत चौका. विकेट के नुकसान पे इस बार थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करना चाहते थे, ये भी गैप खेलना चाहते थे पॉइंट, और अगर देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसको खेलना चाहते थे, नजाकत यहां पर दिखाना चाहते थे, लेकिन यहां पर बिंदी गेंद वापसी की है. एक तेज गेंदबाज जिन्होंने कल का दिन बहुत अच्छा रहा था कल की नाइट, लेकिन आज आए हैं 51 रन डिपेंड करना है तो भूषण गोले इनको कुछ खास करने की जरूरत. यात्राबेन अगदी आपण पाहिले हा चेंडू अतिशय सुरेख निश्चित प्रमाणात खेळला गेला. एक सिंगल आरामात येताना आपल्याला पाहायला मिळाले. वास्तविक पाहता सलीम भाई इतकी मोठी धावसंख्या नाही आहे, म्हणजे 50 धावाच्या क्या व्ही वेवा. थँक्यू ड्रोनच्या माध्यमातून अगदी आपण काही क्षणचित्र पाहतोय आणि हा इतिहास आहे, ऐतिहासिक क्षण म्हणूया आपण या गोष्टीला, एक सुवर्ण क्षण म्हणूया. कारण बाबूजी आव्हाड महाविद्यालयाचं जे क्रीडांगण आहे काय मजा आहे आणि ती मजा संपूर्ण भारत पाहते. हे तितकाच खरं आहे, रिवर्सचा प्रयत्न, स्विचचा प्रयत्न होता योगेश पेनकरचा, इथे चेंडू काय बॅटवरती येऊ शकला नाहीये आणि अगदी आपण पाहतोय निर्धाव चेंडू निश्चित प्रमाणे या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. आणि एक अभी भी गेंद शेष आहे. आप बात कर रही है इस नगरी की, क्या बेहतर ड्रोन का पिक्चर, और भारत वर्ष भर अगर देखिए तो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा अगर देखिए मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान 3 दिसंबर को शारजा के मैदान में, खूबसूरत वहाँ पर मैदान भारत बनाम पाकिस्तान के टेस्ट मैच रहेगी. लेकिन वहाँ से अगर कि अमोल जी से साथ इन्होंने पहुँच की हुई टीम
प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर बहुत तगड़ा आयोजन रहेगा शारजा के मैदान में। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश ऑन साइड के क्षेत्र में, सतीश पठारे आएंगे गेंद के ऊपर, इनकी आदत है वो, देखिए गेंद जिनके पास जाती है तो गेंद बिल्कुल छोड़ देते हैं। अंतिम गेंद में आया लेग बाइज ग्रुप से सिंगल, सिंगल के साथ में हो गई दो की कहानी खत्म। दो के चलते चलते बोर्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पे 25 रन, पहले दो ओवर में रन 25 आए हैं, अभी भी 24 गेंद शेष है, 24 गेंदों में रन चाहिए 26। स्मृति मंदाना स्टैंड का जो फ्लेक्स अपन आज पाहता है तो काल फाटला होता आणि एका दिवसामध्ये लगेच बनवणं अशक्य आहे, तरी सुद्धा एका तासात कैलासजी भवरे ज्याने तो फ्लेक्स रेडी करून त्या स्टँडला बनवून दिलेला, त्याबद्दल आम्ही त्यांचा टाळ्या वाजवून आभार व्यक्त करतोय। कैलासजी भवरे यांचं मनपूर्वक आभार या सेवेबद्दल, थँक्यू। ही खासियत असते, प्रत्येकाला दिली जबाबदारी असते ना मनीष सर, ही सगळ्यात महत्त्वाची असते आणि ही जबाबदारी दिल्यानंतर ती पेलली पण जाते आणि विशेष म्हणजे अगदी आपण पाहतोय जबाबदारी अशाच व्यक्तींच्या खांद्यावरती दिली जाते जे पेलू शकतात। अब गेंदबाजी में अब देखिए अपने बहुत जबरदस्त की जिम्मेदारी की बात करी, कल जिम्मेदारी इन्होंने उठाई थी एनबी अवध के लिए, इरफान चार विकेट लिए थे, दो ओवर डाले थे, 11 रन खर्च किए थे, कल का स्पेल आज चाहिए। और सामने दिग्गज खिलाड़ी योगेश पेनकर, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, लेकिन सामने बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला बीच मैदान में। अवे फॉर बॉडी दूर से खेला है मयूर खारंडे, व्हाट अ कैच, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द मैच, क्या मुकाबला है। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। थैंक यू डीजे, थैंक यू। अपन पाहिले एक चांगली विकेट इतना पाहिले आले आणि मयूर वन हैंड कैच प्रयत्न करता है, मयूर ने प्रयत्न के प्रयत्न ऐसी गेंदे फिसलती थी हमने देखी, लेकिन इस बार मयूर कारंडे के हाथों में चिपक गई है और बहुत बड़ी विकेट है। अगर बात करेंगे योगेश पेनकर, बहुत एक जबरदस्त खिलाड़ी है, इनका विकेट आना कुछ हद तक एनबी अवध को इस मैदान में इस मैच के अंदर वो बने रहने का एहसास देखे जाएगी वो काम यहाँ पर करते हुए। रवि वैकर जे पातर्डीचे जुने जाणते लेजेंडरी क्रिकेटपटू आहेत, तर अर्जुनजी वनवे यांची ती रिक्वेस्ट आहे, विनंती आहे की रवि वैकर साहेब आपण व्यासपीठावर येऊन या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा। रवि वैकर सर स्वागतम। संदीप पाटिल बीच मैदान में आए हैं, लेकिन इरफान जब जब आते हैं बेफाम होकर गेंदबाजी करते हैं, ये मैदान इनको रास आया है और ये अब समय है ना मनोज सर, ये तेज गेंदबाज को रास आता है, भाता है ये क्षण। सामने संदीप पाटिल, इरफान चा चेंडू अतिशय सुरेख, काल शेवटच्या सामन्या मध्ये काय गोलंदाजी केली होती इरफान ने आणि मॅन ऑफ द मॅच चा किताब इरफान ला मिळाला होता आणि एक क्षण असा होता की अगदी मोक्षक क्षणी तो थोडासा इंजुर्ड पण झाला होता, अगदी दुसरा चेंडू खूप जोरदार लागला होता खांद्याला, पण तिथं सुद्धा त्यांनी त्याचे होप सोडले नाही, राहिले चार चेंडू की तेच तर्रा टाकले गेले आणि संघाला विजयाच्या घरापर्यंत नेऊन पोहोचवलं असं असणार आहे इरफान आहे जो गोलंदाजी मार्ग करतोय। इथे चांगला चेंडू अगदी आपल्याला पाहायला मिळतोय, परत एकदा निर्धाव चेंडू परत एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल, धापलक स्थिर आहे, धापलक ती धावसंख्या जर आपण पाहिली तर ती असणार आहे 19 धावा, अजून 26 बनवायच्या आहेत आणि आपण पाहिलं सलीम भाई पहिल्या दिवसापासून या पे जीतना मुश्किल आहे। यहाँ से अगर यही बात कर सकते हैं इरफान मलिक की अगर बात करेंगे तो तीन गेंदों में पहले गेंद पे विकेट लगातार दो बिंदी गेंदे, प्रेशर बन चुका है इसमें और ये शॉट अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच है और शायद यहाँ पर बीचों बीच से निकल गई है, पहले आप में गाड़ी छूट गई है, ये बेवक्त आपने गलती की है, चार है। दोरी आणि ज्या दोरीतून चेंडू निश्चित प्रमाणे सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचलाय आणि पाथर्डीकरांचा जल्लोष आपण पाहू शकतो, पाथर्डी मधले क्रिकेटची स्पर्धा आहे आणि जल्लोष काय आहे परत एकदा, ओ इथे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, भूषण गोळ्याने प्रयत्न केलाय पण अपयश, चेरन मैदानाच्या बाहेर वाजवायचे आहेत, आयोजकांच्या सूचना आहेत फटाके
फटाके कृपया मैदानाच्या बाहेर वाजवायचे आहेत, ही विनंती असणार आहे. क्या जबरदस्त है मुकाबला, दो गेंदों में संदीप पाटिल ने मुकाबला करूक फिर से एक बार बदल दिया है. नो बॉल्स कॉल. क्या जबरदस्त प्रेशर में, एक बेहतर गेंदबाज भी प्रेशर में आए हैं क्योंकि पहली तीन गेंदें बहुत अच्छी थी लेकिन उसके बाद में दो गेंदे पे चौका छक्का और फिर से एक बार आया ये नो बॉल फील्ड का मौका है. रडक तरफ जाए तो 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे. इरफान मलिक एक और मतबा सामने गेंद थी, ये भी शॉट अच्छा है. वहां पर अगर देखेंगे तो तुषार रणदिवे थोड़े से फंबल होते हुए रन दूसरा. एक दोस्त अंदर खेल रहा है बिल्कुल बल्लेबाजी वहां पे पप्पू राम गुड़े और उनका अच्छा दोस्त तुषार रणदिवे उनके खिलाफ खेल रहा है. फिलहाल यहां पर देखिए इस गेंद पे मिले 2 रन, 3 की कहानी खत्म. 3 के बाद में 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे पवन गणपति की टीम आप बीच मैदान में देख रहे हैं. जगदंबा पावन गणपति मला वाटते इथं गणपति त्यांना पावतो की काय, कारण आता परिस्थिती अशा प्रकारची निर्माण झालेली आहे. 2 बाद 38 धाव आहे, 3 षटक संपलीत, 51 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. आणि आता समीकरण जर अगदी आपण पाहिलं तर चेंडू बाकी राहतील ते अजूनही 18 आणि जिंकण्यासाठी 13 धावसंख्येचं लक्ष आहे. फायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी काही क्षण निश्चितप्रमाणे ते थोडेसे, पण कधी कधी काय होतं माहितीये ना, आपण बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे की घास आपण चावतो घशाच्या खाली उतरणार कुणीतरी तो मात्र काढून घेतो असं बऱ्याच वेळा होत. धन्यवाद. आपण आहोत सचिन तेंडुलकर स्टँड मध्ये आणि या ठिकाणी फार मोठा क्राऊड पाहायला मिळतो. एक क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. काही क्रिकेट रसिकांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. आपल्या बरोबर राम आहेत. कसं वाटलं या क्रिकेटच्या स्पर्धेचं आयोजन? पाथर्डी तालुक्यात हे पहिलं जेवढं मोठं नियोजन आहे आणि तालुक्यातील आणि जिल्ह्यातील सर्व स्पर्धकांनी आणि रसिकांनी भरपूर मनापासून हे केलेलं आहे, आनंद घेतलेला आहे आणि आयोजकांचे मनापासून अभिनंदन धन्यवाद. बच्चे कमर तो फैन बोलो देखिए सर, ये बहुत जबरदस्त है. उम्मीद है आने वाले क्षणों की, आने वाले पलों की ये बहुत बड़ी उम्मीद है. उम्मीद और मंजिल जब मिल जाती है ना मुकाबले बहुत ही शानदार देखने मिलते हैं. लेकिन यहां से 18 गेंदे, फिर से एक बार रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. 13 नाजिम गुल्ली मैन फ्रॉम गुजरात, गुजरात की खुशबू क्या यहां पर टर्न कर सकते हैं, एक्सपीरियंस क्या भर सकते हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि क्या 1-2 विकेट ला सकते हैं, 1 मेडन ओवर डाल सकते हैं इस टूर्नामेंट में, क्या जान अब बाकी रख सकते हैं. नाजिम गुल्ली के सामने अविनाश पप्पू राम गुड़े. थोड़ा सा मिस टाइम फटका अपने पाया स्क्वेर लेग ला चिंडू असेल अक्षित तावरे क्षेत्ररक्षण करता पाहिले मध्ये एक सिंगल इन आणि एका सिंगल ची रूपाने धापल करता धावसंख्या 39 धावा 2 गड्यांच्या मोबाईल्यात पप्पू रामगुडे पोहोच जाऊन जे पोहोचले अर्थात अविनाश रामगुडे अर्थात पप्पू रामगुडे 7 चेंडू 13 आहे. आणि इथे जर आपण पाहिलं तर महेंद्र सिंग धोनी स्टँड आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने क्या जबरदस्त श्रेणी है. संदीप पाटील जर आपण पाहिले तर 6 चेंडू खेळले 12 वरती निश्चितप्रमाणे नाबाद असेल आपल्याला. संदीप पाटील असेल आता स्ट्राईकच्या बाजूला, नॉटॅकच्या बाजूला पप्पू रामगुडे, गोलंदाज तयार नाजिम. संदीप आहे बीच मैदान में और ये शॉट देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ये सुपर से डूब नाजिम गुल्ली चेंडू थोडासा ओव्हर पिच पडला होता अर्थात लेग ब्रेक होता पण जी गट्स किंवा जे ते ताकद आहे ना बॅट मध्ये मनगडात ती पाहिले मिळाली परत एकदा. आणि विशेष म्हणजे जर आपण पाहिलं ना पाथर्डी मध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकार क्रिकेटच्या स्पर्धेचं आयोजन नियोजन आणि त्यात पाथर्डीचा संघ खेळतोय तो मेगा फायनलच्या दिशेने आगेकूच करतोय ही सगळ्यात आनंदाची बाब आहे. इथे बॅट कडे निश्चित प्रमाणात अगदी आपण पाहतोय सिंगल आरामात आली आणि एका सिंगल ची रूपाने दापलक पुढे जाऊन पोहोचेल. धावसंख्या टोटल स्कोर 46 रन लगे बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे 3.3 के बाद में 15 गेंदे 5 चाहिए. अब देखिए मैच वही होता है, महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड वाले कहेंगे कि भाई छक्के के साथ में मुकाबला खत्म कर लीजिए. क्या मुकाबला हो सकता है छक्के के साथ में खत्म. यहाँ पर पप्पू रामगुड़े के सामने नाजिम गुल्ली का नहीं है लेकिन शॉट ही उम्दा खेला है. अक्षय तावरे आएंगे गेंद के ऊपर फील करेंगे सिंगल, 4 रन दूर है, 4 कदम दूर है. पहला सेमीफाइनल मुकाबला बीच मैदान में आप देख रहे हैं. क्या ये मुकाबला कैसा बन रहा है यहाँ पर. इन भी आवाज संघ अगदी खूप मोठा तगड़ा संघ है, कोणी असं म्हणू शकत नाही की हा संघ थोडासा इथे पिचडीवरती पडलाय. यांनी दिल्ली धमाका
या टीमला निश्चित प्रमाणात प्रभूत केलं. हे विसरून चालणार नाही. या संदीपची फलंदाजी काय बल्लेबाजी के साथ में मुकाबला खत्म किया और पहली टीम बनी है जो की जाएगी सीधा फाइनल. सगळ्या पाथर्डीकरांना मनापासून धन्यवाद देईल आणि एकदा जोरदार ताळ्या आपण वाजूया. आपल्या जगदंब पावन गणपती पाथर्डीचा संघ या स्पर्धेच्या मेगा फायनल जाऊन पोहोचला. टीमच मनापासून अभिनंदन मंग्याजी भागवत आणि प्रतीकजी खेडकर, कॉंग्रॅच्युलेशन. फिलहाल अगर देखिए बड़ी टीम अच्छी खेली थी. दिल्ली धमाका धमाका क्लब दिल्ली हेमंत जी बनियान इनकी टीम को बड़े बड़े टीमों को पराजित की थी. लेकिन जस्ट देखिए, जल्लोस देखिए, ये आगाज है, ये अंजाम है पाथर्डी के लिए आने वाले समय में टेनिस क्रिकेट विश्व में अमोल जी सिरसाट एंड टीम. इनका काम कर लिया है. अब देखिए विशेष म्हणजे आज सामना तर संपलाय, त्याच्यानंतरचा सामना सुरू होईल, पण त्याच्यानंतरचा तिसरा सामना जो आहे वो बहुत ही कडक मुकाबला. एक जा सामना होणार आहे तो बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया. आणि चला